आज के इस लेक्चर 5 के अंदर हम ये देखेंगे कि हम टेक्स्ट को रैप कैसे कर सकते हैं, रैप टाइप की ऑप्शन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद मर्ज और सेंटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज रैप टैक्स होता क्या है कि मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर मैं टैक्स सेंटर कर रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट टैक्स पर जाऊँगा तो नेक्स्ट टैक्स पर जब मैं जाऊँगा तो इस टैक्स में इस तरह से नजर आएगा। रैप टैक्स की ऑप्शन में चूज करूँगा तो ये उसी सेल के अंदर रैप हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जहाँ सेल ख़त्म होता है वहाँ से डाटा नेक्स्ट रो में खुद से मूव हो जाएगा, इसको हम रैप टैक्स कहते हैं। तो ये बड़ा एडवांस फीचर है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि हम कोई एक डाटा एंटर करते हैं, फिर हम सफर सेल में कोई और डाटा एंटर करते हैं, तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें डाटा जो है ना वो इस तरह से दिखाई देता है, ये बड़ा कोलैप्स रो में होता है। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन भी रैप टैक्स की ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अभी देखें ना, मुझे यहाँ पर मार्क्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश ए और इंग्लिश बी है। अब ये देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश, मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ये बॉर्डर हो चुके हैं, बॉर्डर कर दिया इसको, ये इंग्लिश ए। अब यहाँ देखें, ये यहाँ तो यहाँ पर हमें इंग्लिश लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो कि ऊपर एक नाम कॉलम हो उसका सब कॉलम। तो इस तरह से करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, मर्जन सेंटर यूज़ करना होगा। मर्जन सेंटर के केस के अंदर हमारे पास जो सेल हैं सिलेक्टेड सेल वो मर्ज हो जाएंगे। ये हमारी चॉइस होती है कि हम कितने सेल्स को मर्ज करें।